नमस्कार, साक्षी न्यूज नाटक पर आप सभी का स्वागत है। राजस्थान लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। पहले करौली, फिर जोधपुर और अब भीलवाड़ा से तनाव की खबरें हैं। बताया जा रहा है कि भीलवाड़ा जिले के सांगानेर कस्बे में नकाबपोश युवकों ने दो लोगों से मारपीट की और एक बाइक को आग के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। एक अधिकारी ने बताया है कि उक्त घटना भीलवाड़ा के सांगानेर इलाके में करबला मार्ग की है, जहां दो लोग बैठकर खाना खा रहे थे, तभी अज्ञात लोगों ने उन पर हमला कर दिया। पुलिस ने बताया है कि नकाब पहने बदमाश ने एक बाइक को भी आग के हवाले कर दिया। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर संभागीय आयुक्त ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवा गुरुवार सुबह 4 बजे से शुक्रवार सुबह 4 बजे तक के निलंबित करने का आदेश दिया है। भीलवाड़ा के कलेक्टर आशीष मोदी ने कहा है, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, घायलों की हालत स्थिर है और उन्हें मामूली चोट लगी है। आरोपी को पकड़ने के लिए आसपास के इलाकों के CCTV फुटेज की तलाशी ली जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील करता हूँ। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर है। भीलवाड़ा के पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने बताया है कि बदमाश 3-4 बाइक पर आए थे। कुछ सुरागों के आधार पर पुलिस आरोपी को पकड़ने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। उधर जोधपुर से मिली खबरों के मुताबिक ईद के मौके पर हुए उपद्रव के सिलसिले में अब तक 211 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि शहर में आज भी लगातार तीसरे दिन कर्फ्यू जारी रहा। पुलिस के अनुसार शहर में स्थिति नियंत्रण में और शांतिपूर्ण है। राज्य के पुलिस महानिदेशक ML लाठर ने बताया है कि जोधपुर शहर में स्थिति नियंत्रण में है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस हर संभव कदम उठा रही है। उन्होंने बताया है कि उपद्रव की घटनाओं के सिलसिले में पुलिस ने अब तक कुल 211 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 191 को भारतीय दंड संहिता के धारा 151 के तहत व 20 को अन्य मुकदमों में गिरफ्तार किया गया है। अब तक कुल 19 FIR दर्ज की गई हैं। पुलिस महानिदेशक ML लाठर ने कहा कि शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस हर संभव कदम उठा रही है। शांति समिति की बैठकें आयोजित कर सद्भावना का प्रयास जारी है। इसके साथ ही उन्होंने आमजन से शांति व्यवस्था बनाए रखने, अफवाहों पर विश्वास न करने और अफवाहों के बारे में तत्काल स्थानीय पुलिस अधिकारियों को सूचित करने की अपील की है। वहीं राज्य के बिगड़े हालात को लेकर भाजपा और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा और RSS पर हमला बोलते हुए कहा है कि ये लोग एजेंडा तय कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने अपराधियों को गिरफ्तार किया है और किसी को नहीं बख्शेंगे। लोगों ने फूल बरसाए रामनवमी पे जुलूस पर। 7 राज्यों में दंगे हुए, 7 राज्यों में दंगे हुए, फिर बॉर्डर चले सब जगह पर। करौली में जो तरीका हुआ था दंगा का भड़काने का, वो तरीका 7 राज्यों में था। इसमें जांच होनी चाहिए। अगर दम है अमित शाह जी के अंदर तो गृह मंत्रालय को एक कमेटी बनाए, हाईकोर्ट जज हो, सुप्रीम कोर्ट जज हो, जो वास्तव में 7 राज्यों में दंगे भड़के करौली के बाद में, उसके जड़ में क्या था, क्या भावना थी, क्या ये प्लानिंग थी, किस रूप में दंगे भड़काने की प्लानिंग थी, तमाम बात सामने आ जाएगी। आगे दंगे होने रुक जाएंगे, ये मेरा मानना है। दूसरी ओर भाजपा राजस्थान सरकार पर हमलावर है। भाजपा ने अलवर में राजस्थान सरकार की कथित अत्याचारी व निरंकुश नीतियों के खिलाफ जनहुंकार रैली का आयोजन किया। इस दौरान पार्टी के नेताओं ने गहलोत पर जमकर निशाना साधा। मुझे अफसोस इस बात का है, राज्य के मुख्यमंत्री का ये बयान कि जोधपुर और करौली में दंगा नहीं हुआ, करौली के अंदर आपने मेरी अगुवाई के अंदर एक समिति बनाकर भेजा था, पुलिस की FIR जिसका जिक्र अरुण जी ने किया, वह FIR खुद ये कहती है कि शांतिपूर्ण जुलूस जा रहा था, षड्यंत्र पूर्वक अचानक हमला होता है, राम रथ को फोड़ा जाता है, भगवान राम की तस्वीरों को पैरों तले कुचला जाता है, दुकानें जलाई जाती है, 27 लोग घायल होते हैं, 2 कार्यकर्ताओं के पीठ में चाकू लगता है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं करौली का दंगा दंगा नहीं। जोधपुर आप जाकर आए हैं, जोधपुर में आज भी 10 थानों में कर्फ्यू लगा है, इंटरनेट बंद पड़ा है, 24 लोग घायल पड़े हैं, 2 लोग बड़ासर पड़े हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि यह दंगा नहीं है। गहलोत साहब, मैं भी कानून का विद्यार्थी हूं, इंडियन पेनल कोड में देख रहा था धारा 146 के अंदर
अन्नापुर असेंबली और उसके बाद में हिंसा दंगे की श्रेणी में आते हैं। ये गहलोत पैनल कोड अलग से बना है। गहलोत पैनल कोड में दंगाई को बिल्कुल क्लीन चिट देने का काम हो रहा है। और मैं तो यही कहूंगा कि जिस प्रकार का वातावरण बना है, अगर मुझे कहे बचपन में सुना करते थे अंधेरी नगरी चौपट राजा, अंधेरी नगरी आज राजस्थान के अंदर सारे शहर शहर में डूबे पड़े हैं। शहरों में रात में बिजली गायब है और राजा चौपट नहीं होता, तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में नेशनल क्राइम ब्यूरो ये नहीं कहता कि महिला दुष्कर्म में राजस्थान पहले पायदान पर। अनुसूचित जाति जिनके लोगों ने इस सरकार को सत्ता में पहुंचाने के लिए सर्वाधिक सहायता की थी, उस अत्याचार में दूसरे नंबर पर, अनुसूचित जनजाति में तीसरे नंबर पर। और अब अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।